स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंड योर स्टडीज नेम इज यू आर वेलकम टू चैनल चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कार्बनइन क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और किन किन पैरामीटर को यूज करके डिफरेंट कार्बन एन की स्टेबिलिटी को डिसाइड किया जा सकता है कार्बन एन के इम्पोर्टेंट फीचर्स कुछ इस तरह से होते हैं नंबर वन कोई भी एनआईन जिसके कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कार्बोन कह सकते हैं नंबर सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इस पर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर थर्ड इसका कंप्लीट ऑक्टेट होता है यानी इसके पास एट इलेक्ट्रॉन होते हैं अब कार्बोनइन के पास एट इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऐसी कंडीशन में कार्बन तीन बॉन्ड बनाए हुए होता है और हर बॉन्ड में टोटल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से इस कार्बोनइन के पास टोटल एट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से सिक्स इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होते हैं नंबर फोर्थ कार्बनाइन जो होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये बेस के साथ साथ न्यूक्लोफाइल की तरह भी काम कर सकता है नंबर फिफ्थ इसमें एस्पेटरी हाइब्रिडाइजेशन होता है इस कारण से इसकी ज्योमेट्री पैरामिडल होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर को सूडो एटम माना जाता है और अगर कार्बोनाइन पर ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हो यानी कि R1, R2, R3 ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हो तो ऐसा कार्बोनाइन कायरल बन जाता है यानी कि इस कार्बोनाइन में प्लेनो सिमेट्री पीओएस एबसेंट हो जाती है सेंटर सिमेट्री सीओएस भी एबसेंट हो जाती है और कायरल बनने के कारण कार्बोनाइन अपनी मेरे रमेज के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते ऐसी कंडीशन में इस कार्बनइन को ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बन जाता है इसको डिटेल में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के दौरान नाइट्रोजन फ्लिपिंग के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था इसमें बिल्कुल नाइट्रोजन फ्लिपिंग की तरह ही दो पैरामेडल फॉर्म आपस में बहुत तेजी से इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। इस कारण से ये ऑप्टिकली एक्टिव न बनकर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है जब ऐसी फ्लिपिंग नाइट्रोजन में होती है उसे हम नाइट्रोजन फ्लिपिंग या अम्ब्रेला इफेक्ट कहते हैं चूंकि ये कार्बेइन में हो रही है इसे हम कार्बोन फ्लिपिंग कह सकते हैं नंबर सेवन कार्बोनाइन की फ्लिपिंग के लिए एनर्जी बैरियर डिफरेंट कार्बोनाइन में डिफरेंट होता है जैसे मिथाइल कार्बोनाइन जिसमें आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू एच होती है इस मिथाइल कार्बोनाइन में ये एनर्जी बैरियर टू किलोरी पर मोल होता है इसी तरह से अगर इस वैल्यू की जगह पर एफ रख दिया जाए यानी आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू सेम हो और उस जगह पर फ्लोरिन एटम हो तो ये हमारे पास ट्राई फ्लोरोल कार्बनइन बन जाता है और ऐसी कंडीशन में अब इस एनर्जी बेरियर की वैल्यू वन किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है इसका वैल्यू में डिफरेंस होने का मेन रीजन ये रहता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जबकि यहाँ पर फ्लोरिन एटम प्रेजेंट रहता है जिसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेते हैं जिससे कार्बनेइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है इस कारण से इसका रोटेशन जो होता है इसका जो इंटरकन्वर्जन होता है वो डिक्रीज हो जाता है नंबर एट किसी भी कार्बनाइन में दो तरह के रिपल्शन काम करते हैं एक तो उसके बॉन्ड पेयर और बोन्ड पेयर के बीच में होने वाला रिपल्शन होता है दूसरा उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होने वाला रिपल्शन होता है इसमें से सेकेंड रिपल्शन यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होने वाला रिपल्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है इसी कारण से कार्बोन में हाइब्रिडाइज होते वक्त भी इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल फॉलो नहीं हो पाता इसमें एंगल में फ्लक्चुएशन आ जाता है और इसका बॉन्ड एंगल अब 97 से 100 डिग्री के बीच में होता है इसका मतलब यह हुआ किसी भी कार्बनइन में उसमें रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल नहीं होता बट फिर भी इसमें स्ट्रक्चर या पैरामेडल जिमेट्री होती है कंपैरिजन किया जाए तो होता है जबकि कार्बोन में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर डिफरेंस देखें तो कार्बोकोटाइन का हाइब्रिडाइजेशन एस टू होता है इस कारण से इसका बोन एंगल वन डिग्री और प्लेनर होता है जबकि कार्बोनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ये पैरामडल होता है इसी कारण से ब्रिज हेड पोजिशन पर कार्बोनाइन स्टेबल होता है जबकि ब्रिज हेड पोजिशन पर कभी भी कार्बोक्रोटाइन स्टेबल नहीं हो पाता हमेशा अनस्टेबल होता है अब बात करते हैं कार्बनाइन की स्टेबिलिटी की अगर कोई भी ऐसा फैक्टर जो कार्बोनाइन के कार्बन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज को स्टेबलाइज कर दें या उसे डिस्पर्स कर दें ऐसे सभी फैक्टर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं इससे भी कार्बनाइन की स्टेबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जैसे नंबर वन इंडक्टिव इफेक्ट नंबर सेकेंड हाइपर कंजुगेशन नंबर थर्ड मिजोमेरिक इफेक्ट नंबर फोर्थ एरोमेटिसिटी अब इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के पैरामीटर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो बातों को नोट करना बहुत जरूरी है पहली चीज तो ये कार्बनइन की स्टेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है कंडेन्सेशन रिएक्शन के प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, इसी तरह जो डिफरेंट कंडेंसेशन है उसमें कार्बनाइन की फॉर्मेशन होती है जो इनोलेट में कन्वर्ट होता है इसी तरह से अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जिस फैक्टर से स्टेबलाइज होता है लगभग उसी फैक्टर से किसी भी एटम के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया जा सकता है यानी जिस तरह से आप सी नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे उसी तरह से हम ओ नेगेटिव एस नेगेटिव को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं जब कार्बोनाइन की हेल्प से हम डिफरेंट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना सीख जाते हैं तो उसका सबसे इंपोर्टेंट रोल रहता है एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ में क्योंकि किसी भी एसिड एसिड को को बनाने के लिए उसमें एच पॉजिटिव रिमूव करना होता है और बाद में बचे हुए नेगेटिव चार्ज यानी कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलाईज करना होता है तो इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में आज हम कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के साथ साथ कुछ और डिफरेंट एटम के नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबिलाईज करना सीख लेंगे नंबर वन सबसे पहला फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप्स के कार्बनाइन दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में सबसे सिंपलेस्ट मिथाइल कार्बनाइन और बाकी हमारे पास डिफरेंट कार्बनइन की डिग्री सेम उसी तरह से डिसाइड की जाती है जिस तरह से कार्बोकटाइन की डिग्री की जाती है कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री कहलाती है यहाँ पर हम आर को एल्काइल ग्रुप मान के चल रहे हैं इस कारण से इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज एक आर के साथ जुड़ा हुआ है यानी एक कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा, जुड़ा हुआ है ये थ्री डिग्री कार्बोनाइन होगा इंडेक्टिव के प्रीवियस वीडियोस में हमने इसे देखा है कि एलकाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इसी तरह से ये सेकेंड डिग्री कार्बोनाइन में करेगा और इसी तरह तो ये वन डिग्री कार्बोनइन में करेगा चूंकि मिथाइल कार्बोनइन में कहीं भी आर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और एच ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा चूंकि थ्री डिग्री कार्बोनइन में तीन एलकाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ये तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इसलिए इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे रिपल्शन इंक्रीज होता है और एनर्जी कंटेंट ज्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है इसका मतलब ये हुआ मिथाइल कार्बनाइन इस सीरीज का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बनाइन होगा और जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो आर ग्रुप की संख्या बढ़ने से इन कार्बनाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लस आई और कार्बोनइन की स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जैसे जैसे कार्बोनइन में प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है और बिल्कुल इसका अपोजिट अगर यहां पर आर कोई ऐसे ग्रुप होते जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते यानी आर इलेक्ट्रॉन विदड्रोइंग ग्रुप होते तो ऐसी कंडीशन में उनका माइनस आई ऑपरेट होता और इस नेगेटिव चार्ज को वो डिस्पर्स कर देते इसलिए वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं या हम ऐसा भी कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन जिस कार्बोनाइन पे जितने ज्यादा माइनस आई वाले ग्रुप होंगे उस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी अगर कार्बोनाइन की डिग्री के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो वन डिग्री कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और थ्री डिग्री कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी एग्जाम्पल नंबर वन इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल तीन तरह के कार्बोनाइन दिए गए हैं जिसमें से एक कार्बोनाइन थ्री डिग्री है और इसमें तीन साइड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है इसी तरह बी कार्बनाइन हमारे पास सेकंड डिग्री है इसमें टू साइड इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और सी कार्बनाइन में ये वन डिग्री होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेशन वन साइड से होता है इसलिए सबसे ज्यादा रिपल्शन इस कार्बन पे होता है क्योंकि इसमें तीन साइड से इलेक्ट्रॉन आते हैं इस रिपल्शन के कारण इस कार्बोनइन के एनर्जी कंटेंट बढ़ जाते हैं जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और सबसे लिस्ट रिपल्शन इस सी कार्बेनाइन में होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन केवल एक साइड से होता है इसलिए इन तीनों कार्बे में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें सी होता है फिर बी और लिस्ट स्टेबल इसमें ए होता है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इस एग्जाम्पल में इन चारों कार्बन को अगर आप आपस में कंपेयर करो तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें नजर आएगा एफ एटम की पोजिशन का चूंकि एफ एटम माइनस आई कैटेगरी का होता है इसका मतलब ये है इन चारों में एफ एटम उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा अब इन चारों में एफ एटम सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रपोर्शन होता है यानी इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो हमेशा डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है और चूंकि फर्स्ट कार्बोनाइन में फ्लोरिन एटम सबसे ज्यादा नजदीक है जबकि फोर्थ कार्बोनाइन में फ्लोरीन एटम सबसे दूर है इसका मतलब यह हुआ सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वो फर्स्ट कार्बोनाइन में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रोल कर पाएगा और जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फ्लोरीन एटम के विड्रोल करने की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और फोर्थ में ये पावर सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी इसीलिए इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा देन सेकेंड और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें फोर्थ हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो तरह के कार्बन हैं और इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन पर तीन एफ एटम प्रेजेंट है जबकि दूसरे में नेगेटिव चार्ज बियरिंग कार्बन पर तीन सी थ्री एटम प्रेजेंट है चूंकि सी थ्री ग्रुप और एफ दोनों ही माइनस आई कैटेगरी के होते हैं और इसके प्रीवियस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सी ग्रुप होता है इसका माइनस आई इफेक्ट एफ एटम से बहुत ज्यादा होता है इसलिए जो सेकेंड कार्बोन होगा इसमें ये बहुत तेजी से बहुत फास्ट बहुत इफेक्टिवली इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे जबकि फर्स्ट कार्बोन में ये उतनी इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को एफ एटम नहीं खींच पाएगा और सेकेंड कार्बोन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से डिस्पर्स होने के कारण इन दोनों कार्बोनइन में सेकेंड कार्बोन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इन तीनों ही एग्जाम्पल में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यह था कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था वो लोकलाइज था यानी कि वो नेगेटिव चार्ज किसी भी तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था अगर मान लो लोकलाइज चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में परसेंटेज एस करेक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि परसेंटेज एस करेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन इनमें रिलेशन क्या होता है ऑर्गेनिक में हम तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन को डील करते हैं हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 और sp अगर इनमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि इनके परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी देखा है कि परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यानी जैसे जैसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आने पर इनके परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब ये है कि परसेंटेज एस करेक्टर एसपी हाइब्रिडाइज़ में सबसे ज्यादा तो ऐसा कार्बन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एसपी टू और एसपी के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाती है यानी कहीं भी अगर ये दोनों हाइब्रिडाइज़ कार्बन प्रेजेंट है तो एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन एसपी टू से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रोल कर लेता है या ज्यादा इफेक्टिवली चार्ज को डिस्पर्स कर देता है एग्जाम्पल नंबर फोर यहाँ पर हमारे पास टोटल तीन तरह के कार्बनइन है और इनमें सबसे बड़ा अगर डिफरेंस देखें जो फर्स्ट कार्बन है वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज है जबकि सेकेंड हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है और थर्ड हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है परसेंटेज एस करेक्टर sp हाइब्रिडाइज कार्बन में ज्यादा होने के कारण अब ये कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से डिस्पर्स कर देगा इसलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा क्योंकि इसके पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और सबसे लीस्टेबल sp3 वाला होगा एग्जांपल नंबर फाइव यहां पर हमारे पास दो कार्बन आयन है और इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही sp हाइब्रिडाइज हैं बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहां पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और यहां पर कार्बन एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण अभी ये सिस्टम इस नेगेटिव चार्ज को बहुत इजीली आसानी से डिस्पर्स कर देगा जबकि यहाँ पर कार्बन प्रेजर होने के कारण अब इस नेगेटिव चार्ज को इजीली डिस्पर्स नहीं हो पाएगा इसलिए इन दोनों कार्बोन में से अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट कार्बोन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एसिड बेस के रिस्पेक्ट भी समझ सकते हैं एसिड में हमने देखा है कि अगर किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ऐसी कंडीशन में उसकी के वैल्यू ज्यादा होती है और पी की वैल्यू कम हो जाती है अब मान लीजिए हमारे पास एसन और एल्काइन का आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो ऐसी कंडीशन में उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का प्रोबेबल जो एच निकल सकता है उसको रिमूव करके वह नेगेटिव चार्ज बना लिया जाता है यानी एच पॉजिटिव को रिमूव करके उस कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर ली जाती है और इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है जैसा अभी हमने देखा तो इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में जो फर्स्ट नंबर का बेस होगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एसिड में जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हमेशा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है चूंकि यहां पर इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए एसियन की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्काइन से ज्यादा होगी या हम ऐसा भी कह सकते हैं एस सी एन की एसिडिटी ज्यादा है इसलिए एस सी एन का के ए वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए और पी के वैल्यू कम आनी चाहिए इन दोनों के इस ऑर्डर को हम वैल्यू के साथ बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं अगर एस सी एन का पी के ए वैल्यू को कंसिडर किया जाए तो यह वैल्यू नाइन प्वाइंट टू होती है इसी तरह एल्काइन की जो पी के ए वैल्यू होती है वो 25 के आसपास आती है इसका मतलब ये है कि इसमें से पीके वैल्यू एसियन की कम होने के कारण एसियन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है एग्जाम्पल नंबर सिक्स जैसा अभी हमने इस वीडियो में मेंशन किया है कि जिस तरह से सी नेगेटिव स्टेबल होता है ऑलमोस्ट उसी तरह से बाकी नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे से यूज करेंगे जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के एल्कोहल दिए गए हैं जिनकी हमको एसिडिटी को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके एसिडिक एज को रिमूव करके इससे ओनेक्टिव यानी एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि इसके कांजुगेट बेस कहलाएंगे अब इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस कार्बन पर तीन सी एच थ्री ग्रुप प्रेजेंट है जबकि इसमें इस कार्बन इस पर तीन सी एफ थ्री ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि इसमें भी ओनेक्टिव यानी ओ का जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज है ऐसी तो कंडीशन में इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा क्योंकि CF3 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है तो इस कारण से ये इस पे तीन माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा जिससे इस ओनेक्टिव पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इसी तरह से फर्स्ट बेस में मिथाइल ग्रुप ग्रुप का प्लस इफेक्ट होता है ये तीनों इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे जिससे इसके नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इसलिए इन दोनों में से ये जो कॉन्जोगेट बेस होगा इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है इसलिए इन दोनों में से जो सेकेंड वन होगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसके एसिड acid की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है इसलिए इन दोनों में से जो सेकेंड एसिड होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी जिसको हम इसके पी के वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं अगर इसका पीके वैल्यू देखा जाए तो इसकी पीके वैल्यू 5.4 होती है जबकि इस अल्कोहल की पीके वैल्यू जो होती है वो 19 होती है इसका मतलब ये है इसकी पीके वैल्यू कम होने के कारण ये स्ट्रोंग एसिड होता है इस एग्जाम्पल में इस ओनेक्टिव का माइनस आई के थ्रू स्टेबलाइज होना इस ओनेगेटिव का प्लस आई के थ्रू डिस्टेबलाइज होना चीज का इंडिकेशन है कि किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज हो उसको ऑलमोस्ट सेम तरीके सेम फैक्टर से स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज किया जा सकता है अब इसका सेकेंड फैक्टर होता है हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन के प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा है कि हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट होता है वो कार्बोकटाइन कार्बन फ्री रेडिकल एल्कीन एल्काइन और एल्काइल बेंजीन यानी ऐसे सिस्टम में स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने पर डेवलप हो सकता है और इन सिस्टम के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसको हमने हाइपर कंजुगेशन के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या डेवलप हो जाता है क्या हाइपर कंजुगेशन इसके अलावा भी ऑपरेट किया जा सकता है हाइपर कंजुगेशन इसके अलावा कई और ऐसे सिस्टम है जिसमें बहुत आसानी से इफेक्टिवली ऑपरेट होता है यहाँ पे हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड के डायपोल मूवमेंट के डेटा गिवन है जिसमें फोर्म एलडी का डायपोल मूवमेंट 2.27 होता है जबकि एसिड एलडी का डायपोल मूवमेंट 2.72 होता है एसिड एलडी का हाइयर डायपोल मूवमेंट आने का रीजन इसमें हाइपर कंजुगेशन ही होता है इसमें हाइपर कंजुगेशन के कारण डायपोल की फॉर्मेशन हो जाती है एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन कहलाता है और एल्फा कार्बन पर प्रेजेंट इस हाइड्रोजन को हम एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं इस एल्फा कार्बन पर टोटल तीन एल्फा हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे इस कार्बन कंपाउंड में डायपोल की फॉर्मेशन हो जाती है और इसका डायपोल मूवमेंट फॉर्मेलिएट से ज्यादा आ जाता है इसी तरह इस कार्बोन की हाइयर स्टेबिलिटी का कारण भी हाइपर कंजुगेशन होता है इस कार्बोन में नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन यानी माइनस एच इफेक्ट ऑपरेट होता है इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होते हैं यहाँ से कार्बन एफ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे इसमें माइनस एच इफेक्ट ऑपरेट होता है और इस कार्बोनइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है नंबर थर्ड रेजोनेंस एग्जाम्पल नंबर नाइन में हमारे पास टोटल तीन कार्बोनाइन दिए गए हैं अगर हम ए नंबर के कार्बोनाइन को देखें तो इसका नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड आपस में सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है इसलिए ए सिस्टम हुआ जबकि बी में ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ दो सिंगल बोन्ड सेपरेटेड है इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम हुआ और सी में डबल बोन्ड ही प्रेजेंट नहीं है इसके बेस पे अगर इनकी स्टेबिलिटी को देखें तो ए कार्बोनाइन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा जबकि बी और सी का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लोकलाइज होगा इसलिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल ए का नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो डीलोकलाइज कंडीशन में होगा अब बात करते हैं बी और सी की बी और सी दोनों ही आइसोलेटेड सिस्टम है बट इनमें डिफरेंस ये है कि बी में डबल बोन प्रेजेंट है और सी में डबल बोन्ड एबसेट है चूंकि डबल बोन्ड के इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसके परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो जाते हैं और ये इस सिस्टम पर माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करता है जो कि इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर कर लेता है इसलिए नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है जबकि में यहां पर ये जो सिस्टम है ये अपना प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करता है जिससे सी के नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है इस बेस पे अगर इनकी तीनों की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें ए होगा क्योंकि उसमें चार्ज डीलोकलाइज होता है बी और सी में माइनस आई के बेस पे बी सी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसी तरह एग्जाम्पल नंबर टेन में हमारे पास तीन कार्बनाइन दिए गए और ये तीनों कार्बे कॉन्जुगेशन में हैं। अगर हम ए कार्बनइन को देखें तो इसका नेगेटिव चार्ज इस सी डबल बोर्ड ओ के साथ सिंगल बोर्ड से सेपरेटेड है यानी कॉन्जुगेटिव सिस्टम है इसी तरह बी कार्बोनाइन का ये नेगेटिव चार्ज इस सी डबल बोन सी के साथ सिंगल बोन सेपरेटेड है अगेन ये सिस्टम है और बिल्कुल इसी तरह से से सी सी का नेगेटिव चार्ज इस डबल एन के साथ कंजुगेशन में है सिंगल सेपरेटेड है अगर इनमें कंजुगेशन की बात करें तो फर्स्ट में ये नेगेटिव चार्ज जो होता है इस तरह माइग्रेट करके ओ नेगेटिव की फॉर्मेशन करता है जबकि बी में इस नेगेटिव चार्ज से सी नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है और सी में इस नेगेटिव चार्ज से एन नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है और इसके बेस पे अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा क्योंकि इसमें सी नेगेटिव से ओन एक्टिव की फॉर्मेशन होती है और फिर इसमें सी होगा क्योंकि इसमें सी नेगेटिव से एन एक्टिव की फॉर्मेशन होती है और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें बी हो जाएगा एग्जांपल नंबर 11 में हमारे पास बेंजाइल कार्बनायन और एलीलिक कार्बनायन दिया गया है दोनों का इनेक्टिव चार्ज डिलोकलाइज होता है यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर पहले कार्बोन को कंसिडर करें इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन में माइग्रेट करता है और बेंजीन इसमें अपना माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट करता है और बेंजीन में ऑर्थो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है इसी तरह कार्बोनाइन में ये सी डबल बॉन्ड सी का ग्रुप जो होता है ये माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट करता है और इससे भी यहाँ पर सी नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है इसका मतलब ये हुआ पहले वाले कार्बोन में सी नेगेटिव से सी नेगेटिव की फॉर्मेशन हो रही है दूसरे वाले कार्बोनाइन में अगेन सी नेगेटिव से सी नेगेटिव की फॉर्मेशन हो रही है तो फिर हम इनमें स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड करेंगे इन दोनों में स्टेबिलिटी अब इनके आर एस के नंबर से डिसाइड की जाएगी क्योंकि इस कार्बोन की टोटल फोर आर एस की फॉर्मेशन होगी जबकि इस कार्बोन से टोटल दो आर एस की फॉर्मेशन होगी तो ज्यादा आर एस बनने के कारण इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा ज्यादा डीलोकलाइज होगा इसलिए इन दोनों कार्बोनाइन में से कार्बोनाइन जो फर्स्ट होगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एग्जाम्पल नंबर इलेवन के बिल्कुल पैरल हम नंबर एग्जाम्पल्व को भी कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जुड़ी हुई बेंजीन बेंजीन की रिंग की रिंग संख्या का अंतर है इस कारण से इसमें के थ्रू बनने वाली आर एस की नंबर में डिफरेंस आ जाएगा अगर हम फर्स्ट कार्बोन को देखें तो इसका नेगेटिव चार्ज बेंजीन में तीन जगह पर माइग्रेट कर सकता है जिसमें से दो जगह होगी और एक जगह पैरा होगी इसलिए इस कार्बनइन की टोटल आरएस की बात की जाए तो इससे टोटल आरएस फोर आर एस की फॉर्मेशन होगी इसी तरह सेकेंड कार्बोन में नेगेटिव चार्ज दो बेंजीन रिंग में माइग्रेट होगा इसलिए इससे टोटल सेवन आर एस की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसी तरह थर्ड कार्बोन से टोटल टेन आर एस की फॉर्मेशन होगी और जैसा अभी हमने देखा था कि जिसकी नंबर ऑफ आर एस ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है इसलिए इन तीनों कार्बोन में से थर्ड कार्बोन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी जबकि फर्स्ट कार्बोन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी इसी तरह से अगर कार्बनाइन किसी ऐसे एटम के साथ एडजस्टेड है जैसे सल्फर और फोस्फोरस एटम के साथ जिनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ऐसी कंडीशन में इसमें बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जैसे एग्जांपल नंबर थर्टीन में ये कार्बनाइन इस एन के साथ एडजस्टेंट है जबकि सेकंड केस में ये कार्बनइन फोस्फोरस के साथ एडजेंट है क्योंकि में डी ऑर्बिटल होता है तो अगर इन दोनों कार्बनइन को आपस में कंपैरिजन करें और पहले माइनस आई की बात करें तो माइनस आई फर्स्ट कार्बनइन में भी ऑपरेट होगा और सेकेंड में भी ऑपरेट होगा अगर माइनस एम की बात करें तो नाइट्रोजन में विकन डी ऑर्बिटल ना होने के कारण इसमें माइनस एम ऑपरेट नहीं होगा जबकि फोर्फोरस के केस में माइनस एम ऑपरेट होगा अब अगर इन दोनों कार्बनाइन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सेकेंड कार्बोनाइन में माइनस आई और माइनस एम दो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं जबकि फर्स्ट कार्बोनाइन में केवल माइनस आई ऑपरेट हो रहा है इसलिए इन दोनों में से जो सेकेंड कार्बोनाइन होगा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर हम एग्जांपल नंबर 14 को भी डील कर सकते हैं 14 के फर्स्ट केस में ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के एडजस्टेड होता है जिसमें कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता जबकि सेकंड केस में ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के एडजस्टेड होता है यानी कंजुगेशन में होता है अभी नेगेटिव चार्ज इस तरह से सल्फर के वेकेंट ऑर्बिटल में माइग्रेट कर सकते हैं यानी कि फर्स्ट केस में ये चार्ज लोकलाइज होता है जबकि सेकंड केस में ये चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है इसलिए इन दोनों कार्बनाइन में सेकेंड कार्बेन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन है दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें इस कार्बन इस के साथ तीन एफ एटम जुड़े हुए हैं जबकि इस कार्बनइन में इस कार्बन के साथ तीन सी एल एम जुड़े हुए हैं और सी एल वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण अब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा और सीएल के एम्प्टी ऑर्बिटल में माइग्रेट कर पाएगा अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो अगर माइनस आई की बात करें तो एफ एटम में माइनस आई इफेक्ट होगा और सीएल का भी माइनस आई इफेक्ट होगा F का -I effect dominant होगा इसी तरह की की बात की जाए तो -M effect पहले केस में ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन में नहीं होता जबकि सेकंड केस में Cl में वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण इसमें माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट होगा क्योंकि माइनस एम इफेक्ट माइनस आई से डोमिनेट होता है इसलिए इस कार्बोनाइन में टोटल दो इफेक्ट माइनस आई और माइनस एम हेल्प कर रहे हैं जबकि इस कार्बोनाइन में केवल माइनस आई ही हेल्प कर रहा है इसलिए इन दोनों में से ये जो कार्बोनाइन सेकेंड होगा इसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगी इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एसिड बेस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अब अगर मान लो हमको दो कंपाउंड फ्लोरोफार्म और क्लोरोफॉर्म इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करना होता तो सबसे पहले यहां से एच पॉजिटिव को रिमूव करके इनके कंजुगेट बेस बनाते हैं का कंजुगेट बेस कुछ इस तरह से दिखाई देता और क्लोरोफार्म कंजुगेट बेस कुछ इस तरह से दिखाई देता क्योंकि इन दोनों में अब ये ज्यादा स्टेबल है और थ्योरी में हमने ये देखा है कि जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसलिए इन दोनों में से क्लोरोफार्म की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए अगर क्लोरोफार्म ज्यादा अच्छा एसिड है तो इसकी के वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए और पीके वैल्यू कम होनी चाहिए उसको हम इसके डेटा के साथ को कर सकते हैं अगर की पीके वैल्यू को देखा जाए तो इसकी ट्वेंटी 28 होती है और क्लोरोफार्म की अगर पीके वैल्यू को देखा जाए तो इसकी वैल्यू फिफ्टीन होती है क्लोरोफार्म की पीके वैल्यू कम होना इस बात का इंडिकेशन है कि इन दोनों में से क्लोरोफार्म की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन में हमारे पास तीन कार्बनइन है और तीनों कार्बनइन में सबसे बड़ा डिफरेंस इस एल ग्रुप की संख्या का है अगर हम पहले कार्बनइन में देखें तो हमारे पास एक एल ग्रुप है जबकि सेकंड में दो और तीसरे में हमारे पास तीन एलडीएडी ग्रुप है और तीनों कार्बोनइन में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है कि नेगेटिव चार्ज इस एलडीएडी ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है इस कारण से तीनों में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा फर्स्ट में ये नेगेटिव चार्ज एक एल ग्रुप में डिलोकलाइज हो सकता है दूसरे में दो बार एलडीएडी ग्रुप में डीलोकलाइज हो सकता है और तीसरे में इन तीनों एलडीएडी ग्रुप के साथ डीलोकलाइज हो सकता है क्योंकि तीसरे में सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन हुआ है इसलिए इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी को देखा जाए तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी और फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और इसमें स्टेबिलिटी का फोर्थ फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी के प्रीवियस वीडियोज में हमने ऐसा देखा है कि कंपाउंड तीन तरह के होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड

पहले में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट होता है यानी इसको काउंट करके इस कार्बेइन में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ही ये कार्बनाइन एरोमेटिक होता है और इसमें टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और फोर पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है और अभी हमने देखा था कि अगर इनकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है देन नॉन एरोमेटिक होता है और सबसे लिस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है इसलिए इस एग्जांपल में सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट कार्बनइन होगा क्योंकि वो एरोमेटिक होगा एग्जाम्पल नंबर 18 में हमारे पास दो कार्बनइन है यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या जनरेट होता है कि इसमें बेन्जीन रिंग है इसलिए इस कार्बनइन को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बिल्कुल ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर फर्स्ट कार्बनइन को देखें, तो इसका नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है और ऐसे कम्पाउंड को हमने सेपरेट वीडियो एरोमेटिक कम्पाउंड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है जबकि इस कार्बोनाइन में ये में इन्वॉल्व नहीं होता यानी कि फर्स्ट कार्बोनाइन में इसको काउंट करते हुए टोटल इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये कंपाउंड या कार्बोनाइन एरोमेटिक होता है जबकि दूसरे कार्बोनाइन में इस रिंग में टोटल तीन बोन, यानी सिक्स इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होता है इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है जैसे इसकी सेकेंड आरएस को आप जनरेट करोगे वो आर भी एरोमेटिक होती है जबकि इसकी सेकेंड आर या कोई भी और आर वो एरोमेटिक नहीं होती इसलिए ऐसे कंपाउंड जिसका नेक्टिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है उसकी सभी आरएस एरोमेटिक होती है ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक कहते हैं इसलिए फर्स्ट कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है सेकेंड कंपाउंड ये कार्बेन एरोमेटिक है इसलिए इन दोनों में से जो स्टेबिलिटी होगी

तीन रिंग में माइग्रेट कर सकता है और टोटल इससे आर की फॉर्मेशन हो सकती है ये भी बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है चलो मान लो कि फर्स्ट कंपाउंड तो हमें समझ में आ गया कि क्वासी एरोमेटिक है जो एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है तो इन तीनों में से जो फर्स्ट कंपाउंड है ये तो एक्सट्रीम स्टेबल है अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इसमें केवल दो ही टोटल आरएस की फॉर्मेशन होगी इसमें टोटल आरएस टेन होगी अगर नंबर ऑफ आर को कंसिडर करें तो इन दोनों में से ये कार्बनाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसके पास टेन आर है बट अगर इसकी फर्स्ट आर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर सी नेगेटिव है जैसे ये बेनजीन में माइग्रेट करेगा तो उसकी ओर्थो पोजिशन पर अगेन सी की फॉर्मेशन करेगा जबकि इस आर में अभी ये सी नेगेटिव है जैसे ये ग्रुप में माइग्रेट करेगा यहाँ पे एक्टिव की फॉर्मेशन करेगा इस सी और इस में करा जाए, तो इसका होगा इसलिए आर एस ज्यादा स्टेबल होने के कारण इन दोनों में से ये कार्बोन ज्यादा स्टेबल होगा अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें पहला कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो क्वासी एरोमेटिक है सेकेंड कार्बोनाइन में नंबर ऑफ आरएस कम है बट इसकी आरएस की इफेक्टिवनेस ज्यादा है इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा और तीसरा आर की इफेक्टिवनेस कम होने के कारण स्टेबल होगा इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बार कई स्टूडेंट ऐसा देखते हैं कि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसलिए इस कार्बोनाइन को इससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बट सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कार्बोनाइन लोकलाइज है या डीलोकलाइज है जैसे इस केस में ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज है यानी किसी भी कंडीशन में चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हाँ इस कंपाउंड में जरूर ये तीन पाई बोन का कंजुगेशन है इसलिए एरोमेटिक है बट ये नेगट्टिव चार्ज लोकलाइज है इसी तरह इस कार्बनइन में बात की जाए तो ये नेक्टिव चार्ज डीलोकलाइज है क्योंकि ये नेक्टिव चार्ज इस डबल बोन के साथ इस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है इसीलिए कभी भी लोकलाइज और डीलोकलाइज में फाइट हो या कंपेरिजन हो तो हमेशा डीलोकलाइज जो चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी बट अगर हमारे पास साइकिल कंपाउंड है और उस पर चार्ज है तो सबसे पहले हमको हक्कर रूल को ऑपरेट करना चाहिए अगर इन तीनों कंपाउंड को आपस में हक्कर रूल के बेस पर डिस्टिंग करें फर्स्ट कार्बनाइन में यहाँ पर दो जगह पर sp3 कार्बन प्रेजेंट है और हमने हक्कर रूल में देखा था ऐसा कोई भी साइकिल कंपाउंड जिसमें एक भी sp3 एटम हो तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाता है इसी तरह जो इसका थर्ड कार्बनाइन होगा उसमें भी sp3 कार्बन होने के कारण ये भी नॉन एरोमेटिक होगा जबकि जो सेकंड कार्बनइन होगा इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये एरोमेटिक होगा अब मान लो इस एग्जाम्पल में हमको ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करनी है तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बनइन होगा वो सेकंड नंबर का कार्बन एन होगा क्योंकि वो एरोमेटिक है चूंकि फर्स्ट और थर्ड कार्मोनाइन दोनों नॉन एरोमेटिक है ऐसी कंडीशन में इनको फर्दर कंपैरिजन करना पड़ेगा अब फर्स्ट और थर्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फर्स्ट में यहाँ पर डबल बोन प्रेजेंट है थर्ड में डबल बोन एबसेंट है चूंकि फर्स्ट में ये डबल बोन इस नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है इसलिए ये फर्स्ट का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डीलोकलाइज होगा इस कारण से फर्स्ट कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है बट डीलोकलाइज होने के कारण ये थर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड फिर इसमें आएगा वन नंबर और सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा इसमें थ्री नंबर अब सपोज हमको कार्बोकोटाइन को कंपेयर करना होता है और बिल्कुल इसके पैरल हमारे पास तीन कार्बोकोटाइन होते हैं क्योंकि अब ये जो बीच वाला यानी सेकंड नंबर का जो कार्बोकोटाइन होता इसमें टू इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये एरोमेटिक ना होकर एंटी एरोमेटिक बन जाता इसी तरह से जो फर्स्ट नंबर का कार्बोन है उसमें एसपी कार्बन होने के कारण ये स्टिल नॉन एरोमेटिक ही रहता और थर्ड नंबर का कार्बोकोटाइन अगेन एसपी कार्बन के कारण नॉन एरोमेटिक रहता अगर अब इस कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी को कंसिडर किया जाए तो सबसे ज्यादा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड यानी फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी कंफर्म सेकंड से ज्यादा आती अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर करते अगेन फर्स्ट में यहाँ पे कंजुगेशन होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। थर्ड में कहीं भी डबल बोर्ड नहीं है इसलिए ये लोकलाइज चार्ज होगा इसलिए फर्स्ट और थर्ड नॉन एरोमेटिक है इसमें से फर्स्ट कंजुगेशन के कारण ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक हमेशा एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल है अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा देन थर्ड होगा और सेकेंड नंबर का इसमें लिस्ट स्टेबल हो जाएगा तो ऐसे एग्जाम्पल में जिनमें हमारे पास कंपाउंड में चार्ज है वो साइकिल है ऐसी कंडीशन में उसमें हक रूल को जरूर कंसिडर करके फिर आंसर निकालना चाहिए तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने कार्बनइन क्या होता है और उसमें स्टेबिलिटी किस तरह से प्रेज की जाती है बहुत अच्छे से समझा होगा वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि कार्बनइन के सेकंड पार्ट में हम लोग बेंजाइलिक कार्बनइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे